गाइज हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज गाइज हम लोग जो इस वीडियो में बातें करने वाले हैं वो करने वाले हैं कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर के बारे में। आज के टाइम में कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर जो है यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए बेस्ट है, और जो लोग यूज़ नहीं करते हैं तो इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको ये क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है इसको यूज़ करने से। वो सारी बातें इस वीडियो में मैं अपनी कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास दो वेरिएंट्स हैं इसके, एक है ये मेरे पास लिली फ्रेश एंड एक ये मेरे पास में बेबीज़ के लिए है। तो ये बेबी वाला एक अलग से आता है जो कि यही वाला पैक आता है, और ये वाला जो पैक आता है गाइज़ इसके बहुत सारे अलग अलग वेरियंट्स आपको मिल जाएंगे। एक ब्लू कलर में है, एक ग्रीन कलर में है, नीम वाला ब्लू में आई थिंक वो भी फ्लोरल ही है, और ये वाला जो है ये पिंकिश, ये लिली फ्रेश है। तो गाइज़ इनको हमें यूज़ क्यों करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरी हो गए हैं यूज़ करने फैब्रिक कंडीशनर्स। पहले मैं यूज़ नहीं करती थी। सबसे पहले जो मैंने कंफर्ट यूज़ किया गाइज़ वो ये वाला किया था, जो कि मैंने अपने बेबीज़ के क्लोथ्स के लिए यूज़ किया था। ये मुझे अपने हॉस्पिटल से कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, जो बच्चों की एक किट आती है वो मुझे मिली थी वहाँ से, उसमें ही मुझे मिला। और मैंने जब फर्स्ट टाइम ही अपने बेबीज़ के क्लोथ्स के लिए यूज़ किया, लिटरली गाइज़ मतलब मैं इस प्रोडक्ट की फ़ैन हो गई, और उसके बाद से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये जो है फिर मैंने ये अपने क्लोथ्स के लिए भी मंगाया, जो कि मैं अब इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये मशीन वॉश के लिए भी होता है गाइज, और बकेट वॉश के लिए भी होता है। अगर आप बकेट में क्लोथ्स जो है क्लीन करते हैं तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मशीन वॉश यूज़ करते हैं या मशीन में कपड़े धोते हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी मशीन टॉप लोड है या फ्रंट लोड है या सेमी ऑटोमेटिक है, किसी भी तरीके की मशीन में ये यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं गाइज़, ये हैंड वॉश के लिए है, ये मशीन वॉश के लिए है। आपको जस्ट जो है इसका एक कैप डालना होता है वॉशिंग मशीन में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वन कैप। एंड अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं मीन्स बकेट वॉश कर रहे हैं तो आपको जो है डिटर्जेंट जब आप इसको यूज़ करते हैं या मशीन में भी जब डिटर्जेंट जो है आपने डाला है, आपके जो क्लोथ्स हैं वो डिटर्जेंट में वॉश हो रहे हैं, उसके बाद में जब मशीन जो है वो पानी निकाल देती है और क्लीन वाटर जब भर रहा होता है, तब आपको उसमें ये एक कैप जो है कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर डालना है। और बकेट वॉश में भी जब आप कपड़े अपने जो है क्लीन धो चुके हैं, अच्छे साफ पानी में उन्हें खंगाल चुके हैं, उसके बाद में गाइज आपको ये डाल देना है इसका हाफ कप, जो कि आई थिंक 5 लीटर की बकेट, यस यहाँ पर मेंशन भी किया है 5 लीटर, मतलब आधी बकेट जब होगी आपकी तो आप उसमें आधा कप, यही वाला जो इसका ऊपर का कप है इसको हाफ जो है उसमें डाल देंगे, और जो है उसमें थोड़ा देर इसको डाले रखिएगा। और उसके बाद में रिंस नहीं करना है, आपने जस्ट अपने क्लोथ्स निकालने हैं और उसको निचोड़ करके अच्छे से फटकार करके आपको उसको हैंग कर देना है, टांग देना है। और इसको ये गाइज हम यूज़ क्यों करते हैं, इसकी सबसे पहली चीज़ गाइज जो एक स्मेल आती है कपड़ों से, जो एक फ्रेशनेस आती है, एक अल्टीमेट फ्रेशनेस आपको अपने क्लोथ्स में मिलेगी। बच्चों वाला ये यूज़ करेंगे इसकी अलग स्मेल है, ये वाला यूज़ करेंगे अलग स्मेल है, और जो दो अलग वेरिएंट्स हैं ब्लू एंड ग्रीन उनकी भी बहुत अच्छी, अपने आप में एक बहुत फ्रेशनेस, एक सूदिंग सी स्मेल है इनकी। तो जब भी आप इसमें क्लोथ्स सबसे पहले धोते हैं गाइज, अब जैसे कि दिवाली आई मैंने कर्टेंस धोए, कर्टेंस टांगे, पूरे घर में जो एक अच्छी वाली फ्लोरल फ्रेशनेस फील हो रही थी गाइस वो अल्टीमेट है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इससे क्लोथ्स धोते हैं। वॉशिंग मशीन में जैसे कि मैं बेडशीट्स डालती हूँ, उस टाइम पे मैं इसका एक ढक्कन डाल देती हूँ, तो जितनी भी बेडशीट्स हैं वो आप तय बना करके भी रख देंगे ना, और अगर आप उसको 3-4 दिन बाद बिछाएंगे, जब आप उसे बिछाएंगे आप देखिएगा आपके बेडरूम में इस कदर इतनी अच्छी वाली एक खुशबू आती है, तो बहुत अच्छी एक फ्रेशनेस देता है सबसे पहले तो ये आपके क्लोथ्स को। साथ ही साथ एक श्रिंकेज की जो प्रॉब्लम हो जाती है कि कपड़े जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, या फिर जो हमारे कपड़े हैं उनके कलर्स फेड हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें गाइज इनको यूज़ करने के बाद में बिल्कुल भी नहीं होती है। आपके कपड़े जो है बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होते हैं, जो उनका साइज़ है उसी परफेक्ट साइज़ में क्लोथ्स रहते हैं, फ्रेशनेस रहती है, उनका जो क्लोथ मटेरियल है कपड़ा है वो एकदम चमकदार बना रहता है, बिल्कुल भी फेडेड नहीं होते हैं क्लोथ्स, कलर आपके क्लोथ्स का कभी भी नहीं जाता है। छोटे बच्चे
क्लोथ्स पर जो है गाइज कुछ ना कुछ निशान लग जाते हैं, जैसे कि हम कुछ भी खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बच्चों के कपड़े हमें बदलने पड़ते हैं। दिन में 2-3 बार आप सभी लोग जानते हैं छोटे बच्चों के क्लोथ्स जरूर से चेंज करने होते हैं। मिल्क गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, इससे धोने के बाद में जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस कपड़े को अपने बेबी को पहनाएंगे तो अल्टीमेट सॉफ्टनेस आ जाती है आपके उस क्लोथ में। तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, इतनी अच्छी एक खुशबू आती है कि बच्चे को कपड़े बदलते टाइम भी आपको बहुत अच्छा फील होता है। और बच्चों के कपड़े जो होते हैं गाइज वो बहुत डेलिकेट होते हैं, तो जल्दी जल्दी उनको धोने की वजह से, क्योंकि अगर आप दिन में 3 टाइम कपड़े बदल रहे हैं तो जल्दी जल्दी वॉश भी होते हैं बच्चों के कपड़े, जिसकी वजह से वो फेडेड भी होने लगते हैं। लेकिन इससे जो है गाइज धोने के बाद में कपड़ों का फेड बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, कलर कहीं भी नहीं जाता है, सॉफ्टनेस बनी रहती है, एक फ्रेशनेस बनी रहती है। साथ ही ये इसकी बैक साइड पे मैं अगर आ जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज ये देता है अनबीटेबल सॉफ्टनेस फॉर डेलिकेट बेबी स्किन। यस गाइज बेबीज की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो हमेशा हमें यही ख्याल रहता है कि बच्चों को जो हम कपड़े पहनाए बहुत सॉफ्ट पहनाए। कई बार कॉटन के क्लोथ्स वॉश करने के बाद में जब आप उन्हें सुखा देते हैं धूप में, आप देखेंगे थोड़ा सा कड़कपन उनमें आ जाता है, बट इससे वॉश करने के बाद में कपड़े जो है आपके एज इट इज़ सॉफ्ट बने रहते हैं। बच्चों की जो डेलिकेट स्किन है उस पर कुछ भी इसका जो है हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। 99.9% गाइज ये एंटीबैक्टीरियल है, तो ये जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको किल करता है, जेंटल फ्रेशनेस देता है बेबीज़ के क्लोथ्स को, एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। क्योंकि बच्चों के लिए हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो ऑलवेज हमारा यही कंसर्न रहता है कि वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होने चाहिए। प्राइस यहाँ पर 60 रुपीज़ इसका मेंशन किया गया है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ गाइस तो ये हम इसकी वेब साइट पर आ गए हैं, यहाँ पर इसका प्राइस जो दिया गया है वो 58 रुपीज़ दिया गया है, एंड यहाँ पर भी वही सब बातें मेंशन की गई हैं जो कि मैंने आपको बताया था। एक अच्छी फ्रेश फ्रेग्रेंस देता है आपके क्लोथ्स को, साथ ही शाइनिंग देता है, बहुत अच्छी वाली एक चमक आ जाती है गाइस। जितनी भी कॉटन की बेडशीट्स आप लोग यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल भी फेड नहीं होती हैं, धूप में सुखाने के बाद भी उनका कलर जो है वो कहीं भी नहीं जाता है, एज इट इज़ आपका कलर रहता है, रफनेस बिल्कुल भी नहीं आती है। आप देख सकते हैं रिटेन सॉफ्टनेस एंटी रफनेस, बिल्कुल भी रफनेस जो है वो आपको क्लोथ्स पे देखने को नहीं मिलेगी, शेप लॉस नहीं होती है। कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो धोने के बाद में इधर से ढीले हो गए हैं, या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि श्रिंक हो जाते हैं, तो इससे वॉश करने के बाद में ना ही तो आपके कपड़े जो हैं वो ढीले होंगे, ना ही आपके कपड़े श्रिंक होंगे, वो परफेक्ट साइज़ में रहते हैं, साथ ही साथ परफेक्ट टेक्सचर में रहते हैं। कपड़े जो है जितनी ज़्यादा बार हम लोग वॉश करते हैं धीरे धीरे उनका फैब्रिक ख़राब होने लगता है, कपड़े डैमेज होने लगते हैं, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें हम लोग अपने क्लोथ्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक ये कंडीशनर है हमारे क्लोथ्स का, तो जब हम यूज़ करते हैं तो उनका टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके क्लोथ्स चलते हैं, और जब तक भी आप क्लोथ्स का यूज़ करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के रहते हैं, अच्छी फ्रेशनेस रहती है, और अच्छे चमकदार कपड़े गाइस सभी को अच्छे लगते हैं, चाहे वो बेडशीट्स हों, चाहे आपके पहनने के कपड़े हों, या आपके लिटिल वंस के क्लोथ हों। तो आई होप गाइज कि मेरा ये जो रिव्यू है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना गाइज बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।